नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से UPG के स्पेशल पर्यटन स्थल से संबंधित MCQ के बारे में जानेंगे, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर मेरे प्यारे दोस्तों वाराणसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ हैं? तो ऑप्शन ए आपके इस प्रकार दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें जौनपुर में स्थित हैं और ये इस बार यूपी पुलिस की एग्जाम में पूछा गया था। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कई बार लोगों को पता होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अयोध्या जो है फैजाबाद जिले में स्थित है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वह नागर शैली में बना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों व वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है वो हमें चेक करना है। तो आगरा ताजमहल बिल्कुल सही है, लखनऊ इमामबाड़ा बिल्कुल सही, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर या इलाहाबाद सारनाथ स्तूप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो देवा शरीफ, गोला गोकर्णनाथ या फतेहपुर सीकरी या कंपिल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार ये कंपिल से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छः, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो कहाँ पर किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संत कबीर ने जो अपने उत्तर प्रदेश के त्याग किया था वो मगहर में किया था। आगे बात करते हैं, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ मेरे प्यारे दोस्तों बाराबंकी में स्थित है। अगला, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी क्रम में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी सारनाथ देवीपाटन या कुशीनगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कौशाम्बी। नेक्स्ट, ये सूचीबद्ध दे रखे हैं, एक साइड मंदिर हैं दूसरी साइड जनपद हैं, तो इन्हें हमें क्रॉस करके देखना है कि कौन सा हमारे कूटनीति के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर झांसी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दशावतार मंदिर झांसी। और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे कमेंट करके भी बताएं। तो इस ये जो है आपका सॉरी ये हो जाएगा देवरिया। सरंगी ऋषि का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पे स्थित है ऋषि सरंगी का मंदिर? तो इसका हो जाएगा यानी फर्रुखाबाद में क्या है ऋषि सरंगी का मंदिर, और बाकी बराह भगवान का मंदिर जो है एटा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है सरंगेश्वरपुर बांदा या हस्तिनापुर मेरठ या विंध्याचल मिर्जापुर या देवा शरीफ बाराबंकी। तो इसमें से हमें सम्मिलित नहीं है वह देखना है, तो कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी सरंगेश्वरपुर बांदा या सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो कहाँ पे लगता है? तो देवा शरीफ में मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी, इस पर नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा फोकस है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वचन किया गया था, तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नैमिषारण्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, नैमिषारण्य तीर्थ के
किस जनपद से है? तो ये अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सीतापुर में। अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म भी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। आंसर भी सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म मेरे प्यारे दोस्तों एटा जिले में हुआ था, एटा जिले में हुआ था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कई बार बच्चे जो है इसको गलत कराते हैं, तो आगरा में। अगर आगरा नहीं होगा तो अलीगढ़ में इसको माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में की गई थी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी आगरा शहर से कितनी दूर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा शहर से कितनी दूर है? तो 40 किलोमीटर है, दूर है। नेक्स्ट, अमरूद नगरी किसको कहा जाता है? तो अमरूद नगरी मेरे प्यारे दोस्तों किसको कहा जाता है? तो इलाहाबाद को कहा जाता है अमरूद नगरी, यानी मलिहाबाद। इत्र नगरी किस नगर को कहा जाता है? तो इत्र नगरी मेरे प्यारे दोस्तों कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान कब दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान 18 जून 1858 को दिया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में ये 25 क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे और कंटेंट हम आपको देते रहेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपकी हो। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।